तो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज किस वीडियो में हम किस चीज़ को बनाने वाले हैं, 3D लोगो डिज़ाइन। दरअसल ये 3D लोगो डिज़ाइन नहीं होता है, ये 3D मॉकअप होता है। तो कल मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि क्या इस तरीके का बन जाएगा, तो मैंने उनको बोला कि हाँ बन जाएगा। और बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, पूरा A to Z डिटेल के साथ इस वीडियो को हम बनाएंगे। तो आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, कुछ ना कुछ आपको नया हो सकता है कि सीखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये वाला लोगो है, इसी को हमें इस स्टाइल में बनाना है। ये 3D मॉकअप है, फोटोशॉप से बन जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन हमारे पास फोटोशॉप का ये वाला मॉकअप भी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि चलिए इसका मॉकअप ढूंढ लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट ओपन करनी है जो कि बहुत ही फेमस वेबसाइट है और जिसका नाम है freepik.com। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और देख सकते हैं कि 3D लोगो मॉकअप लिख करके हमने सर्च कर दिया है और यहाँ पर बहुत सारे आपको 3D के लोगो मॉकअप देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, जो हमने डिज़ाइन देखी थी उसमें जो था बिल्कुल सिंपल था, यानी इस तरीके से पर्सपेक्टिव व्यू उसका नहीं था, बिल्कुल फ्रंट व्यू था, जैसा कि ये दूसरे वाले में आपको देखने के मिल रहा है और इसमें वुड वाले में भी है, गूगल सर्च वाले में भी है और इधर वाले में भी है, साथ ही साथ यहाँ पर भी है और ये जो पंख बना है एक इसमें भी है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा हमें यूज़ करना है। ये दोनों ऊपर वाला जो है ये सिल्वर कलर का है, तो हो सकता है कि जब हम अपनी डिज़ाइन को इस पर डालेंगे तो वो सबको कलर सिल्वर कर दे, हो सकता है, क्योंकि हमने इसे यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए हम कलर वाला ही यूज़ करेंगे। सर्च वाला भी आप ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये पैड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमें चाहिए फ्री, तो हम यही पंख वाला सिलेक्ट करते हैं। एक बार इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, लेकिन डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे हमें फाइल टाइप देखिए, AI यानी Adobe Illustrator, EPS और JPG है, यानी कि ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ही नहीं है और हमें फ़ोटोशॉप यानी PSD मॉकअप चाहिए। तो बैक करेंगे और दूसरा कोई यहाँ से देखते हैं फिर से, ये गोल्डन वाला है और ये है, तो ये भी पैड है, हमें चाहिए फ्री वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी सिल्वर है और हम सोच रहे हैं कि कलरफुल ही कोई हो। ये देखिए ये कलरफुल है लेकिन ये पैड है, तो एक काम करते हैं कि पैड वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं, इधर आ जाएंगे, साइड में लाइसेंस लिखा है, यहाँ पर फ्री लिखा है, हम फ्री पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने जितना भी रिज़ल्ट आएगा वो सब फ्री वाला ही आएगा, बीच में पैड वाला अब नहीं आएगा। तो नीचे आते हैं और देखते हैं, ये देखिए ये है, लेकिन ये भी गोल्डन कलर से है, तो हो सकता है कि सारा का सारा गोल्डन कर दे, और जब कोई नहीं मिलेगा तो हमें चूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बोला था कि ये डिटेल वीडियो है, यूज़ नहीं किए हैं तो कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है कि कलर के साथ भी आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि गोल्डन कर देगा तो इसलिए मैं उसे नहीं ले रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ, अभी इस पेज में नहीं मिला तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर सकते हैं, टोटल 39 पेज है यहाँ पे, बहुत सारा है, कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेगा, टाइम लगेगा ढूंढने में दोस्त, हम लोग का काम ही यही है कि रिसर्च करना, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हम डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। तो रिसर्च कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 14 पेज में आ चुके हैं और अभी तक हमें कुछ वैसा मिला नहीं। एक हमने ये ग्रीन वाला लिया है और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, और मैं एक पहला वाला भी ले लेता हूँ जो सबसे पहले था गोल्डन वाला, उसको भी हम ले लेते हैं और फिर तीनों को चेक करते हैं कि कौन सा हमारा काम करता है कौन सा नहीं।
जैसे ये सिल्वर वाला था तो हम सिल्वर वाले को या फिर इस गोल्डन वाले को ले लेते हैं। ठीक है, गोल्डन वाले को लेते हैं, सिल्वर वाले को नहीं। और सबसे पहले बल्कि हम इसी को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। याद रखिए कि आप फ्री पिक से 3 ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। 56 MB की फाइल है। ओपन फोल्डर करेंगे और यहाँ पे गोल्ड लोको मार्कअप के नाम से है ये, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम ओपन करेंगे अपना फोटोशॉप। मेरे पास फोटोशॉप CS6 है, जितना लेटेस्ट वर्जन रहेगा आपके लिए बेहतर है। फाइल पे आएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे था गोल्ड लोगो मार्कअप, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से PSD को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओके कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमारे पास हमारा जो मेन लोगो था वो होना चाहिए। तो लोगो तो हमने बनाया नहीं था, लेकिन ये फोटोशॉप है तो जो हमको इमेज मिला है उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो करेंगे हम कॉपी इमेज और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है प्लेस योर डिज़ाइन हियर, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे अपनी डिज़ाइन को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इनका जो पुराना वाला डिज़ाइन था इसको हाइड कर देंगे और अपना बैकग्राउंड यहाँ से हटाएंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैजिक टूल का, यहाँ से क्लिक करके इन सबको कर देंगे डिलीट। इसको 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 और इसको भी करेंगे डिलीट और यहाँ पे ई में है इसको भी करेंगे डिलीट। ठीक है, तो इन सबको हमने कर दिया डिलीट। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इसे क्लोज कर देना है और ये सेव के लिए पूछेगा तो यस कर देना है। आप देख सकते हैं वही हुआ जिसका हमें डर था, यानी ये सबको गोल्डन कलर में बना दिया जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए था। अब चलिए फिर दूसरा वाला डाउनलोड करते हैं। ये एक हरा वाला है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पूरे को हरा बना दे। एक सेकेंड, हम दूसरा ही कोई ढूंढ लेते हैं पहले। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फ्री पिक पे हमें नहीं मिला, एक दो डिज़ाइन मिल भी रहा है जो कि पैड वाला है। तो हम अब गूगल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम सर्च करते हैं फ्री 3D मॉकअप PSD, फ्री 3D PSD मॉकअप, उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कुछ और डिज़ाइन। ये है एक अनब्लास्ट, इसको ओपन करते हैं। वेबसाइट ग्राफिक्स फैमिली एक वेबसाइट है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। PSD इसको भी ओपन करते हैं। गुड मॉकअप है एक, इसको भी ओपन करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें फ्री मिले, ये पैड भी हो सकता है, लेकिन सर्च कर रहे हैं तो करेंगे, ढूंढेंगे जो अच्छा हो। ठीक है, ये देखिए फ्री सिंपल 3D लोको मार्कअप, ये सही है, लेकिन इसके में इसका कलर भी बिल्कुल सिल्वर वाला है तो हो सकता है कि ये सिल्वर कर दें, लेकिन ट्राई इसको भी करेंगे, कोई वो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज तो है। और थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं कुछ और अगर मिल जाए तो गुड है। दूसरा वाला वेबसाइट चेक करते हैं, ये है लोगो मॉकअप। ठीक है, देखिए ये कलरफुल भी है और सिंपल एंड मॉडर्न 3D लोगो मॉकअप है, फ्री है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे।
यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। 22 MB का है, स्टार्ट डाउनलोड हमने कर दिया। एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिप फाइल को, नाम था सिंपल एंड मॉडर्न 3D लोगो मॉकअप। अब ओपन करेंगे फोटोशॉप, फाइल पर आएंगे, ओपन पर आएंगे और यहाँ से सिंपल एंड मॉडर्न, ठीक, PSD फाइल ये है, ओपन करते हैं। सही है, और इसके अंदर अब हमें अपना वाला लोगो डालना है, तो अपना वाला लोगो हमारा था यहीं पे, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी, और फिर अब इस वाले में आएंगे और यहाँ पे लिखा है योर लोगो हेयर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस कोने पर, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इनका जो टेस्ट और लोगो है इसको हाइड करेंगे, अपना वाला रहने देंगे और यहाँ से कर देंगे क्लोज, और फिर उसके बाद एस यानी उसको हटा के हमारा वाला इस पर फिट कर दे। इट्स गुड, आप देख सकते हैं कि जैसा हमारे लोगो का कलर था सेम वही कलर है, और यहाँ पे 3D स्टाइल में हमारा लोगो आ गया जैसा कि हमारे कस्टमर को चाहिए था। तो दोस्त, बनाने में तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगा है, लेकिन सर्च करने में ही ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि अपना काम है सर्च करना। तो आपने देखा कि हमने फ्री पिक पे भी सर्च किया, और फ्री पिक में सारा पेज ढूंढने के बाद भी हमें नहीं मिला। फिर हमने गूगल पे सर्च किया और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वेबसाइट हमने ओपन की थी, जिसमें से दूसरी वाली वेबसाइट में ही हम अपने काम की चीज़ को पा गए और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट का नाम भी नोट कर सकते हैं, ग्राफिक्स फैमिली, और भाई साहब का शायद यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,000 सब्सक्राइबर हैं, तो आप जाके इनको यूट्यूब पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, इनका वीडियो देख के भी आप इस तरीके के लोगो बनाना और यूज़ करना सीख सकते हैं। बाकी आपने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख लिया। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी चीज़ को सर्च करके हासिल कर सकते हैं और अपनी डिज़ाइन को फाइनल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।